इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल की ट्रेनिंग सीरीज में हम आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है टेम्परेचर मेजरमेंट एंड कंट्रोल। ये इस सिलसिले की दूसरी वीडियो है और हमारा आज का टॉपिक है बायोमेटेलिक थर्मोमीटर। बायोमेटेलिक थर्मोमीटर के वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन यानी इसके सेंसर को कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से मटेरियल्स इसके सेंसर की फॉर्मेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके सेंसर की सेंसिटिविटी पे कौन कौन सी चीज़ें असर अंदाज होती हैं, और इसकी थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे, और फिर थर्मोमीटर जो बायोमेटेलिक थर्मोमीटर है इसकी डिफरेंट टाइप्स बयान करेंगे, उनकी मेजरमेंट रेंज यानी वो कहाँ से लेकर कहाँ तक टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, और फिर इन तमाम जो टेम्परेचर थर्मोमीटर बायोमेटेलिक थर्मोमीटर्स की टाइप्स हैं इनकी प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में कैसे इम्प्लीमेंटेशन होती है, इनको कैसे यूज़ किया जाता है, और इनकी कैलिब्रेशन कैसे की जाती है, और इनकी मेंटेनेंस कैसे की जाती है, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो का आज हिस्सा होंगी। बायोमेटेलिक थर्मोमीटर जैसा कि नाम से जाहिर है बाई मेटल यानी दो मेटल्स वाला थर्मोमीटर। इस थर्मोमीटर के सेंसर को दो मुख्तलिफ मेटल्स को मिलाकर बनाया जाता है। दो मुख्तलिफ मेटल्स कौन कौन सी, जिनके कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन मुख्तलिफ हैं। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या है, बायोमेटेलिक थर्मोमीटर के वर्किंग प्रिंसिपल को अच्छी तरह समझने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन को समझना जरूरी है, तो थोड़ी सी डिस्कशन हम इस पे करेंगे। जब मटेरियल्स गर्म होते हैं तो एक्सपेंड होते हैं, उनका साइज बढ़ता है, उनके वॉल्यूम में इजाफा होता है। ये इजाफा किस रेट से होता है, किस शरह से होता है, किस तनासुब से होता है, किस रेशियो से होता है, इस चीज़ को कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। थर्मल एक्सपेंशन की कई टाइप्स हैं और कई एस्पेक्ट से इस एक्सपेंशन को डिस्कस किया जाता है कि आया कि ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है या लीनियर एक्सपेंशन है। लीनियर एक्सपेंशन से मुराद है कि किसी एक डायमेंशन जैसा कि लेंथ में, कि किसी बॉडी की लेंथ में टेम्परेचर के साथ साथ कितना इजाफा होता है, इस चीज़ को, इस एक्सपेंशन को लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। बायोमेटेलिक थर्मोमीटर्स के वर्किंग प्रिंसिपल के तौर पर यानी बायोमेटेलिक थर्मोमीटर्स का वर्किंग प्रिंसिपल लीनियर एक्सपेंशन पे बेस करता है, इस पे डिपेंडेंट है, तो इसलिए हम इस वीडियो में लीनियर एक्सपेंशन को डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि कोई एक मेटेलिक स्ट्रिप हम लेते हैं जिसकी लंबाई है 2 मीटर और उसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं, तो उसकी लंबाई में भी, उसकी लेंथ में भी इजाफा होगा। मान लीजिए कि वो 0.006 मीटर या 6 मिलीमीटर्स होता है, तो इस जो मेटेलिक स्ट्रिप है इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना है, इस चीज़ को जानने के लिए ये एक फार्मूला है। इस फार्मूले में हम पुट करते हैं जो तमाम वैल्यूज जो हमने बताई हैं, तो हमें इस मेटल की स्ट्रिप का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन निकल आएगा। तो ये इस हमारे वाले केस में इस मेटलिक स्ट्रिप का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है 0.003 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगर दो बराबर लंबाई वाली मुख्तलिफ मेटल्स की स्ट्रिप्स को बराबर का गर्म किया जाए तो उनमें से एक की लंबाई में थोड़ा कम इजाफा होगा जबकि दूसरी स्ट्रिप की लंबाई में ज़्यादा इजाफा होगा। जिस स्ट्रिप की लंबाई में कम इजाफा होगा उसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम है, जबकि जिस मेटल स्ट्रिप की लंबाई में ज़्यादा इजाफा होगा उसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है। अब अगर इन दोनों स्ट्रिप्स को एक ख़ास तरीके से, ऐसे ख़ास तरीके से जोड़ दिया जाए कि ये दोनों स्ट्रिप्स फिर अलग अलग ना हो सकें और इनके एक एंड को फिक्स कर दिया जाए जबकि दूसरे को फ्री छोड़ा जाए और फिर इनको गर्म किया जाए, तो ये स्ट्रिप एक कर्व की शक्ल में बेंड होगी और एक ख़ास एक रुख को झुक जाएगी। ये किस तरफ को झुकेगी, जिस तरफ लोअर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वाली मेटल की स्ट्रिप लगाई गई है, और अगर इसी स्ट्रिप को ठंडा किया जाए तो ये उस तरफ को झुकेगी, उस तरफ को बेंड होगी जिधर हायर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वाली मेटल को जोड़ा गया है। इसी चीज़ को बायोमेटेलिक थर्मोमीटर का सेंसर बनाया जाता है। बायोमेटेलिक स्ट्रिप का किसी भी तरफ को झुकना
उस झुकाव की जो मिकदार है उसे डिफ्लेक्शन कहते हैं। ये डिफ्लेक्शन ही बुनियादी तौर पर थर्मोमीटर की सेंसिटिविटी कहलाती है, और इस डिफ्लेक्शन का इन्हिसार कई चीज़ों पर है। अगर हम इसको डिस्कस करें तो सबसे नंबर वन फ्लेक्सिविटी। फ्लेक्सिविटी ये है कि बायोमेटेलिक स्ट्रिप की ओवरऑल कोफिशेंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या है, और इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, यानी इन दोनों चीज़ों को ओवरऑल कैलकुलेट करके हम फ्लेक्सिविटी निकालते हैं। जितना कोफिशेंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होगा उतनी ही फ्लेक्सिविटी ज़्यादा होगी। फ्लेक्सिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतने ही बायोमेटेलिक स्ट्रिप की डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी। उसके बाद है कि टेम्परेचर में कितनी ज़्यादा चेंज की जाती है, जितनी ज़्यादा चेंज की जाएगी डिफ्लेक्शन भी बायोमेटल स्ट्रिप की उतनी ही ज़्यादा होगी। उसके बाद है कि मेटल की जो बायोमेटल स्ट्रिप की थिकनेस भी डिफ्लेक्शन पर असरअंदाज होगी। थिकनेस को जितना ज़्यादा करते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन कम होती जाएगी। और उसके बाद सबसे अहम फैक्टर है बायोमेटल स्ट्रिप की लेंथ। लेंथ का बहुत ज़्यादा असर होता है स्ट्रिप की डिफ्लेक्शन पर। अगर हम इसकी लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो डिफ्लेक्शन उसका स्क्वायर होकर बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो अहम और नुमाया फैक्टर है वो लेंथ है। इसी वजह से बायोमेटालिक स्ट्रिप की डिफ्लेक्शन को बढ़ाने के लिए लेंथ को बढ़ाया जाता है। इस फार्मूले में एक मैथमेटिकल कांस्टेंट को शामिल किया जाता है, और इस कांस्टेंट की कीमत का तायुन बायोमेटालिक स्ट्रिप की करेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करके किया जाता है। बायोमेटल स्ट्रिप की लेंथ को बढ़ाने के दो तरीके आम हैं। एक तो ये कि बायोमेटल स्ट्रिप को स्पाइरल की शक्ल में लपेट दिया जाए, और दूसरा ये कि इसको हेलिक्स की शक्ल में लपेट कर एक सिलेंड्रिकल सी शक्ल बना दी जाए। बायोमेटल स्ट्रिप्स की लेंथ को इन दोनों तरीकों से बढ़ाने से दो फायदे हासिल होते हैं। नंबर वन के लेंथ के बढ़ने से थर्मोमीटर की बायोमेटालिक थर्मोमीटर की डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, और नंबर दो इसकी जो हॉरिजेंटल या वर्टिकल डिफ्लेक्शन है मूवमेंट है उस वो सर्कुलर या रेडियल हो जाती है, जिससे एक तो बायोमेटालिक थर्मोमीटर की इंस्टॉलेशन आसान हो जाती है, दूसरी इसकी किसी डायल पर सर्कुलर डायल पर रीडेबिलिटी या रीडिंग लेना आसान हो जाता है। बायोमेटल स्ट्रिप्स की इन दो बुनियादी शक्लों की वजह से ही बायोमेटल थर्मोमीटर्स की दो बुनियादी अकसाम व मार्ज वजूद में आती, एक स्पाइरल बायोमेटालिक थर्मोमीटर और दूसरा हेलिकल बायोमेटालिक थर्मोमीटर। स्पाइरल में भी उसका एक सिरा फिक्स कर दिया जाता है जबकि दूसरे सिरे पर पॉइंटर लगा दिया जाता है, और थर्मोमीटर जो है हेलिकल बायोमेटालिक थर्मोमीटर इसकी स्ट्रिप को भी एक तरफ से एक सिरे को फिक्स कर दिया जाता है जबकि दूसरे सिरे पर रॉड लगा दिया जाता है, और रॉड के ऊपर फिर एक पॉइंटर लगा दिया जाता है जो स्केल के साथ साथ मूव करके इंडिकेशन देता है। स्पाइरल टाइप बायोमेटालिक थर्मोमीटर्स को इसके डिज़ाइन की वजह से आमतौर पर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि इसको किसी पाइपलाइन या टैंक के अंदर फिट नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसे फूड स्टोरेज गोदाम बिल्डिंग्स यानी फूड स्टोरेज बिल्डिंग में और रेफ्रिजरेटर्स या लेबॉरेटरी रूम्स में एयर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसकी निस्बत हेलिक्स बायोमेटालिक थर्मोमीटर बहुत ज़्यादा मकबूल है और इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसको हर जगह फिट किया जा सकता है। ये एयर टेम्परेचर भी मेजर कर सकता है, और इसके डिज़ाइन की वजह से इसे किसी पाइपलाइन के अंदर भी फिट किया जा सकता है, टैंक्स में भी फिट किया जा सकता है, और बहुत सारे जगहों पे फिट किया जा सकता है। इसलिए बायोमेटालिक थर्मोमीटर्स में हेलिक्स टाइप जो थर्मोमीटर हैं वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। बायोमेटालिक थर्मोमीटर की स्ट्रिप्स आमतौर पर दो मटेरियल्स स्टील और ब्रास को मिलाकर बनाई जाती हैं, या फिर इनके अलॉयज इस्तेमाल किए जाते हैं। ब्रास का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है जबकि स्टील का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम होता है। बायोमेटालिक थर्मोमीटर्स को -40 से लेकर 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। -40 से कम और 400 डिग्री सी से ज़्यादा पर अगर बायोमेटालिक थर्मोमीटर्स को इस्तेमाल किया जाए तो इसकी बायोमेटालिक स्ट्रिप
مستقل طور پر خراب ہو جاتی ہے یا ڈیفارم ہو جاتی ہے، اس لیے اس رینج سے باہر بائیومیٹالک تھرمومیٹرز کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں بائیومیٹالک تھرمومیٹر کی کیلیبریشن کی۔ اس کے لیے دو طریقے ہیں، پہلے ہم یہ دو طریقے آپ کو بتائیں گے، بیان کریں گے، اس کے بعد بائیومیٹالک تھرمومیٹر کے پوائنٹر کی ایڈجسٹمنٹ کا طریقہ بتائیں گے۔ تو دو طریقوں میں سے پہلا طریقہ یہ ہے آئس واٹر کا، یعنی کہ پانی اور برف کا آمیزہ۔ برف کے چند ٹکڑے ایک برتن میں ڈالتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں۔ پانی اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ بائیومیٹالک تھرمومیٹر کے سینسر اور برف کے درمیان میکینیکل کانٹیکٹ بن جائے اچھا، اور ہیٹ ٹرانسفر آسانی سے ہو جائے۔ تو بائیومیٹالک تھرمومیٹر کو اس برف والے پانی میں ڈالتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے انتظار کرتے ہیں، حتیٰ کہ بائیومیٹالک تھرمومیٹر کا پوائنٹر ایک جگہ پہ آ کے رک جائے، اور اس جگہ پہ بائیومیٹالک تھرمومیٹر کو 0 ڈگری سینٹی گریڈ یا 32 ڈگری فارنہائٹ پڑھنا چاہیے۔ اگر اسکیل پر پوائنٹر 0 ڈگری سینٹی گریڈ پر نہیں آتا تو پھر اس کی ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ ہے بوائلنگ واٹر کا۔ بوائلنگ یعنی ابلتے ہوئے پانی میں بائیومیٹالک تھرمومیٹر کے سینسر کو ڈالتے ہیں اور کچھ دیر انتظار کرتے ہیں، حتیٰ کہ بائیومیٹالک تھرمومیٹر کا پوائنٹر ایک بڑھنا ٹمپریچر اسکیل کے اوپر رک جائے، یعنی کہ اس کی موومنٹ رک جائے۔ جب بائیومیٹالک تھرمومیٹر کی ریڈنگ اسٹیبل ہو جاتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اسکیل پر بائیومیٹالک تھرمومیٹر کے نیڈل کو، پوائنٹر کو 100 ڈگری سینٹی گریڈ یا 212 ڈگری فارنہائٹ پڑھنا چاہیے۔ اگر اس میں کچھ فرق ہے ریڈنگ میں تو اس کو ایڈجسٹ کیا جائے۔ بائیومیٹالک تھرمومیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے عام طور پر دو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بعض بائیومیٹالک تھرمومیٹرز میں اسکیل کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے اور بعض بائیومیٹالک تھرمومیٹرز میں پوائنٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ جن بائیومیٹالک تھرمومیٹرز میں اسکیل کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے ان میں ڈائل کے نیچے ایک ہیکساگونل ایڈجسٹمنٹ نٹ ہوتا ہے جس کو کسی اسپینر یا پھر سکرو ڈرائیور کی مدد سے گھمایا جا سکتا ہے۔ اگر بائیومیٹالک تھرمومیٹر کا ڈائل کھول کر دیکھا جائے تو یہ نٹ اندر سے ایک پینین گیئر ہوتا ہے جو اسکیل کے ساتھ لگے ہوئے گیئر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ جب ہم اس ہیکساگونل نٹ کو گھماتے ہیں تو پینین گیئر اٹیچ ہونے کی وجہ سے اسکیل گھومتی ہے اور ہم اسکیل کو گھما کر اپنی مطلوبہ جگہ پر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور کیلیبریشن کر سکتے ہیں۔ جن بائیومیٹالک تھرمومیٹرز میں پوائنٹر کی ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے ان میں بائیومیٹالک تھرمومیٹر کا پوائنٹر راڈ کے اوپر فرکشن فٹ ہوتا ہے اور راڈ کے سرے پر ایک سلاٹ بنائی جاتی ہے جس میں سکرو ڈرائیور لگایا جا سکتا ہے۔ جب اس بائیومیٹالک تھرمومیٹر کی ایڈجسٹمنٹ ہم نے کرنی ہوتی ہے تو پوائنٹر کو اسکیل کے ساتھ دبا کر ہم پکڑ لیتے ہیں، ہولڈ کر لیتے ہیں، اور راڈ میں بنائی ہوئی سلاٹ کے اندر سکرو ڈرائیور لگا کر گھما کر ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے۔ بائیومیٹالک تھرمومیٹر کی ایڈجسٹمنٹ کے یہ جو طریقے ہم نے آپ کو بتائے ہیں، یہ عام طور پر انڈسٹریل پروسیس میں جو بائیومیٹالک تھرمومیٹرز استعمال ہوتے ہیں یہ ان میں اپنائے جاتے ہیں۔ لیبارٹریز میں جو بائیومیٹالک تھرمومیٹرز استعمال ہوتے ہیں ان کی ایڈجسٹمنٹ ذرا مختلف ہوتی ہے۔ ان بائیومیٹالک تھرمومیٹرز میں ڈائل کے نیچے ایک کنسنٹرک ہیکساگونل ایڈجسٹمنٹ نٹ ہوتا ہے جسے کسی اسپینر کی مدد سے ہولڈ کیا جاتا ہے اور ڈائل کو ہاتھ کی مدد سے گھما کر ایڈجسٹمنٹ کر لی جاتی ہے، یا پھر ہاتھ سے ڈائل کو ہولڈ کر لیا جاتا ہے اور اسپینر کی مدد سے ایڈجسٹمنٹ نٹ کو گھما کر ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے۔ بائیومیٹالک تھرمومیٹرز کی مرمت یعنی مینٹیننس کی اگر بات کی جائے تو بائیومیٹالک تھرمومیٹرز میں کوئی خاص مینٹیننس عام طور پر نہیں نکلتی، یہ ٹھیک کام کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے تو ڈیمیج پارٹس کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے۔ بائیومیٹالک تھرمومیٹرز کا سینسر یعنی سٹرپ عام طور پر خراب نہیں ہوتی، لیکن اگر خراب ہو تو بعض تھرمومیٹر میں پورے کا پورا سینسر ریپلیس کیا جا سکتا ہے، اس میں یہ آپشن ہوتی ہے۔ عام طور پر اس میں کوئی خاص مینٹیننس نہیں نکلتی۔ آئس واٹر اور بوائلنگ واٹر سستے اور قابل بھروسہ کیلیبریشن کے طریقے ہیں، اسپیشلی جب کوئی اسٹینڈرڈ ٹمپریچر کیلیبریٹر موجود نہ ہو۔ یہ طریقے
किचन और फूड स्टोरेज बिल्डिंग्स वगैरह में इस्तेमाल होने वाले बायोमेटेलिक थर्मोमीटर्स के लिए ज्यादा मुनासिब हैं, मगर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रेंज वाले बायोमेटेलिक थर्मोमीटर्स के लिए कारगर नहीं है। इसलिए इंडस्ट्री में इस मकसद के लिए ड्राई बाथ, टेम्परेचर कैलिब्रेटर्स या कोई और कैलिब्रेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन पर टेम्परेचर की किसी भी वैल्यू को सेट किया जा सकता है।